नमस्कार दोस्तों ये है दोस्तों बारकोड वाला वेइंग मशीन जो भी वेजिटेबल इसको ऊपर रखेंगे उसका जो पी एल यू नंबर जो भी है उसको टच करेंगे और प्रिंट बटन दबाएंगे आपको इधर से जो प्रिंट आउट आ जाएंगे आपने निकाल देंगे उसको और अपना प्रोडक्ट में रखे हो जिसे काउंटर में जाके सेल करेंगे लेकिन छोटा सा ग्रोसरी छोटा सा मतलब सुपरमार्केट के लिए इवन बड़ा सुपरमार्केट के लिए इतना बड़ा प्राइस शायद अफोर्डेबल नहीं होता है

एक ऑपरेटर को ये है ना जो बिलिंग करता है उन्होंने ही कर देते हैं इसमें क्या होती है कोई भी चीज़ जो कस्टमर खेली में लेके डालते हैं इसको ऊपर रखिए बिलिंग करिए मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ देखिए फॉर एग्जाम्पल कस्टमर एक ये मतलब पैकेट में डाल के लेके आया बैग में प्लास्टिक कवर में जो भी है डाल के लेके आया इस तरीके से इतना ग्राम है देखो ये जो सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली दिखाई देती है मैंने हर वेजिटेबल को नंबर सिस्टम डाल के रखा हुआ जैसा टोमेटो के लिए एक नंबर ओनियन के लिए दो तो नंबर ना? आप कीबोर्ड में सिर्फ और सिर्फ नंबर दबा दीजिए नंबर, नंबर वन टमाटो के लिए ठीक है जी जेंडर मारिए बस और कोई प्रोडक्ट है तो डाल दीजिए आपको वो भी आ जाएंगे फॉर एग्जाम्पल आपको ये आलू भी लगा देता हूँ मैंने देखिए ये आलू ठीक है जी ये आलू का आ, नंबर है देखो पोटाटो नंबर थ्री है नंबर थ्री ये वजन के हिसाब से अपना आप कैलकुलेट होती है ये फोर हंड्रेड थर्टी फाइव ग्राम है ये फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी ग्राम है ठीक है जी और कोई प्रोडक्ट आपको बार कोड स्कैन करके सेल करना होती है तो आपको ये वेइंग मशीन का बटन ऑफ कर दीजिए और ये बार कोड से जो भी स्कैन करके सेल करता है फॉर एग्जाम्पल ये देखिए ये देखिए कोई भी आइटम इस तरीके से स्कैन करके सेल करिए इसमें आपको क्वांटिटी का जगह जगह पे दिखाई देती है ये वन वन पीस है ये ग्राम के हिसाब से आया हुआ है ऑटोमेटिकली आप देखो कीबोर्ड में ये सेवन क्लिक कर दीजिए और ये एंटर मारिए दोस्तों आपको यहाँ ब्रिंट आउट आ जाती है ये और इसमें आपको एकदम साफ सफेद दिखाई देती है है और ये जो language conversion भी आया हुआ अभी यहां पूरा आपने हिंदी में मतलब में 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 देखा प्रिंट हिंदी में। कोई भी language में लगा सकता है और सबसे पहले वाला देखो एम आर पी सेल, सेल प्राइस आप देखा ग्राम के हिसाब से ऑटोमेटिकली प्राइस, प्राइस कैलकुलेट हो गया ये सब वन वन क्वान्टिटी के हिसाब से आया वो दो लास्ट प्रोडक्ट दो या तीन जो भी है तो इस तरीके से वेरी सिंपल वे में आपने कर सकता है तो ये जो वेइंग मशीन Uh, क्या 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 खास बात है और हम थोड़ा सा डिटेल जानकारी में आपको दिलवा देता हूँ ये वेइंग मशीन का पीछे से आप थोड़ा सा इधर आइए यहाँ से एक केबल निकला हुआ देखिए ये जो केबल निकला हुआ है ये एक्चुअली मैंने थोड़ा सा इसको ऊपर उठा कर दिखा देता हूँ क्या है ये देखिए ये, ये जो केबल क्यों है ना ये देखिए ये देखिए ये, ये जो केबल जो है ना सीधा सीधा कंप्यूटर में लगा हुआ है देखिए कंप्यूटर में लगा हुआ है और ये जो वेइंग मशीन का इधर ये भी होते हैं उस स्टैंड वाला कस्टमर डिस्प्ले होता है ना जी वो भी होता है और ये जो सरकार का स्टैम्पिंग भी है इसका ये देखिए सरकार हर साल में इसको स्टैम्पिंग करता है सरकार का स्टैम्पिंग होती है और विल बिल्ड वेइंग मशीन दोस्तों फोन कंपनी का और ये जो अडाप्टर जो है ये इसको लगा देती है हमने नॉर्मली बस है ना बस इतना ही करना दोस्तों और ये जो है आपका यूएसबी है यूएसबी आप कंप्यूटर में इधर लगा दीजिए बस हो गया तो इतना करने से आपको वही कनेक्टिविटी हो गया और इतना सस्ता बजट में और साइज छोटा भी है यानी कॉम्पैक्ट इन साइज आप काउंटर में किधर भी आराम से इसको लगा सकता है, है ना? तो आपको रेन डेक का एडिशन सॉफ्टवेयर आपके हाथ में है तो आपको बड़ी आसानी से इसको चलाने के लिए सारे समाधान है दोस्तों इसको कनेक्ट करना भी वेरी सिंपल है वेरी ईजी है मैंने एक बार कनेक्ट करके दिखा दे रहा हूँ इसको कनेक्ट करने के लिए देखो यहाँ देखो डिवाइस मैनेजर डिवाइस मैनेजर में चले जाइए आपने और यहाँ देखो ये यह जो पोर्ट बोल के दिखाई देती है देखिए पोर्ट्स पोर्ट port के अंदर आपको कॉम थ्री करके इधर पोर्ट है देखो इधर कोम मतलब ये जो यूएसबी दूसरा जगह पे लगाने से आपको दूसरा पोर्ट दिखाई देती है फॉर एग्जाम्पल कॉम नाइन कॉम थ्री कॉम फाइव इस तरीके से अलग अलग ये कॉम थ्री पोर्ट में कनेक्टेड है तो ये मात्र चेक करने के लिए कौन सा पोर्ट में कनेक्ट किया हुआ है तो आप क्या करना है बिलिंग सॉफ्टवेयर में जाना सेटिंग्स के अंदर चला जाइए टर्मिनल सेटिंग्स के अंदर आपको देखो ये जो लाइन में क्लिक करिए देखो इधर मैंने कॉम द्रे डाला है और इसको एस कर दीजिए बस इतना करने से ऑटोमेटिकली कनेक्ट होता है और आपको इसको इनेबल डिसेबल करने के लिए सेल पैनल जो खोलता है ये हाथ देखो बटन दिया हुआ है ये देखो ये बटन ये बटन, ये बटन में दबाने से आपको वे इंग मशीन चालू हो जाती है देखो इधर जो भी दबाता है ना मैं हाथों से दबाती हूँ नंबर चेंज होते जाते वजन और इसको ऑफ करेंगे ना वन वन जैसे बार कोड वाला आइटम सेल करने के लिए आपको कर सकता है और दूसरी चीज़ जब भी आपने प्रोडक्ट ऐड करता है ना तो ये वन टू थ्री फोर नंबर किस तरीके से डालता है तो ये भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ देखिए जैसा हमने आर्ट टू कार्ट में जाकर के देखो आठ प्रोडक्ट बोल के जो भी प्रोडक्ट ऐड करता है तो यहाँ देखिए ये जो बार कोड जो ऑटोमेटिकली बाई डिफॉल्टे है ये सब फॉर्म आप फिलअप करिए मतलब प्रोडक्ट नेम कैटेगरी वगैरह जो भी है ठीक है जी और ये देखो ये जो नंबर के जगह पे अभी फोर नंबर तक इधर हमने बनाया हुआ है पांचवा नंबर इधर डाल दीजिए बस हो गया और जब ये सेल करने के टाइम आपने पांचवा नंबर डाल दीजिए और सेल कर दीजिए ये डाल करके आपने सीधा सीधा सेव कर दीजिए ठीक है जी और सेल करने के टाइम आपने यहाँ पांचवा नंबर डाल देंगे वो प्रोडक्ट आ जाएंगे और फोर्थ नंबर डाल देंगे वो देखिए राइस आ गया और वन नंबर डाल देंगे आपको देखो टमाटो आ गया है ना थ्री नंबर डाल देंगे आपको क्या नाम पोटाटो आ गया है ना तो इस तरीके से आपको हर एक प्रोडक्ट को नंबरिंग का थ्रू कर सकता है वो तो काफ़ी ईजी होता है क्योंकि हमारे पास वेजिटेबल बहुत ज़्यादा नहीं होता है पंद्रह बीस या चाल तीस आइटम मैक्सिमम मैक्सिमम हो सकता है तो वो सब चीज़ें के लिए आपको जितना भी लूज आइटम्स है ये थोड़ा सा मैंने बड़ा करके बनाया पिक्चर के साथ आप इसका छोटा बना दीजिए ताकि आपको बड़ी आसानी से इसको चला सकता है यानी कोई कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी का अंदर जाने की जरूरत नहीं है आपको सिंपल का सिंपल टेक्नोलॉजी में आपका सारे काम बड़ी आसानी से हो जाएंगे और आपको कोई हेल्प चाहिए सपोर्ट चाहिए हमारा टीम है इधर दोस्तों और इंडेक्स सॉफ्टवेयर लिमिटेड का जो कस्टमर केयर टीम आप कॉल करिए दोस्तों वी आर हियर टू हेल्प यू हमारा डेडिकेटेड कस्टमर केयर टीम है और इसको ट्रेनिंग किस तरीके से यूज़ करना है और आपको हार्डवेयर वगैरह अगर चाहिए होती है वो हो भी आपको सब कुछ यहाँ से मिल जाएंगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू बाय